हेलो सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोड्रग्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ द प्रोड्रग्स, एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोड्रग्स एंड द डिज़ाइंस ऑफ द प्रोड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्रोड्रग्स। द टर्म प्रोड्रग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ द 1958 बाय द एल्बर्ट। प्रोड्रग्स आर द इनएक्टिव कंपाउंड्स विच ऑन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इधर केमिकली और एंजाइमेटिकली गिव्स द पेरेंट एक्टिव ड्रग्स। नाउ क्वेश्चन इज अराइजेज दैट द व्हाट इज द प्रोड्रग्स। द प्रोड्रग्स टर्म्स रेफर टू द फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स देन दैट आर कन्वर्टेड टू द एक्टिव ड्रग बाय द मेटाबॉलिक बायो ट्रांसफॉर्मेशंस। द बायो ट्रांसफॉर्मेशन और द एक्टिवेशन मे अकर प्रायर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन विद इन द बॉडी। दिस इज द प्रोडक्ट व्हेन द फेज वन मेटाबॉलिज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव ड्रग बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। प्रॉब्लम्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट यूज एज ए एसिड्स। सो दिस इज द प्रोड्रग्स। सो ए प्रोड्रग इज डिफाइंड एज ए कंपाउंड विच अंडरगोज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एग्जिबिटिंग इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ड्रग्स, फर्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साइट स्पेसिफिसिटी, इंस्टेबिलिटी, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज, टॉक्सिसिटी, पुअर पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, फॉर्मुलेशंस। दिस वन इज द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द ड्रग्स। डिजाइनिंग पैरामीटर्स, प्रोडक्ट्स क्वान्टिटेटिव कन्वर्जन इट इज कन्वर्टेड इन टू द एक्टिव फॉर्म। प्रोडक्ट्स कैन कन्वर्ट इन टू एक्टिव फॉर्म प्लस नॉन एक्टिव मॉइटी, दैट इज नॉन एक्टिव मॉइटी इज द नॉन टॉक्सिक कंपाउंड। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द प्रोड्रग्स। फर्स्ट ड्रग इज द कैरियर लिंक्ड एंड सेकेंड इज द बायोप्रिकर्सर ड्रग्स। कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इन टू द थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज द बायपार्टेट, ट्राइपार्टेट, म्यूचुअल प्रोड्रग्स। बायपार्टेट कंपोज ऑफ द वन कैरियर अटैच टू द ड्रग्स। ट्राइपार्टेट मीन्स थ्री करियर ग्रुप्स इज अटैच्ड वाया द लिंकर टू द ड्रग्स। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्रोड्रग्स। नेक्स्ट इज द म्यूचुअल प्रोड्रग्स। टू ड्रग्स एज द नेम इंडिकेट दैट द म्यूचुअल मीन्स टू ड्रग्स लिंक टूगेदर। सेकेंड इज द बायो प्रिकर्सर ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द करियर लिंक्ड प्रोडक्ट्स इन विच द कम्बिनेशन ऑफ द एक्टिव ड्रग प्लस कैरियर इज टेकिंग देन द एंजाइमेटिकली एक्शन एक्टिव ड्रग एंड द करियर प्रोमाइटी इज लिंक्ड विद द कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल ऑफ द क्लोरोम्फेनिकोल सोडियम सक्सिनेट विद द एंजाइम ऑफ द एस्ट्रेट इट इज कन्वर्टेड इन टू द क्लोरोम्फेनिकोल प्लस सक्सिनिक एसिड। क्लोरोम्फेनिकोल इज द एक्टिव ड्रग एंड सक्सिनिक एसिड इज द कैरियर और प्रोमाइटी। नेक्स्ट इज द ट्राईपार्टेट प्रोडक्ट्स इन विच द कैरियर एंड ड्रग्स आर ज्वाइंट विद द लिंकर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कैरियर प्लस लिंकर एंड ड्रग्स। देन फर्दर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इट इज कन्वर्टेड इंटू द टू पार्ट्स दैट इज लिंकर एंड ड्रग। एग्जाम्पल इज ट्राईपार्टेट मीन्स बेकामिप्लिसिन एंड पिवामिप्लिसिन। इन द एंजाइम ऑफ द एस्ट्रेस इट कन्वर्टेड इंटू द एम्पिसिलिन दैट इज द एक्टिव ड्रग। This is the example of the tripartite product of the ampicillin, becamplicin and pivamplicin. R is changed into those compounds R and R dash. With the help of the esterase, it is converted into the two parts. That is the linker and the carrier. Then another linker is joined with this. Then it converted into the active drug that is ampicillin. Next classification is the mutual product. Product is converted into the active drug plus carrier moiety or pro moiety, in which carrier or pro moiety have the pharmacological activity. Example of the mutual product is the estramustin, that is anti-neoplastic drugs, or you can say that anti-cancer drug. It is converted into the normustard and the estradiol. Both compounds have the pharmacological actions. Next is the bioprecursors products, in which active drug is converted into the inert molecules. The difference in bioprecursor product is that does not include the carrier moiety, same lipophilicity as a parent drug, bioactivated by the redox biotransformation,
only by the enzymatic activation. Example of is the Sulindac sulfoxide, that is inactive drug, then the presence of the enzyme, it is converted into the sulfide, that is active compound. Now we will discuss the applications of the products. Pharmaceutical applications of the products is the patient acceptability, drug solubility, reduce of the GI irritation, reduction of the pain at the injection sites, drug stability. Pharmacological applications, enhancement of the lipophilicity, prevention of the presystemic metabolism, prolonged duration of action, and drug targeting. Now in the next video we will discuss about the detailed study of the applications of the product. Thank you, students.